नए कानून में आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों में सजा को और सख्त बनाया गया है। नए कानून में आतंकवाद से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। आतंकवाद से पीड़ित प्रताड़ित रहे हमारे देश के कानून में अब तक आतंकवाद को न तो परिभाषित किया गया था और न ही आईपीसी के तहत इसमें सजा का उल्लेख था। समय समय पर टाडा और पोटा जैसे विशेष कानूनों के जरिए आतंकवादियों और आतंकी गतिविधियों से निपटने की कोशिश होती थी। पहली बार आतंकवाद शब्द को भारतीय न्याय संहिता के तहत परिभाषित किया गया है। नए कानून के तहत भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इस दायरे में मृत्यु, चोट, संपत्ति को नुकसान, आवश्यक आपूर्ति में व्यवधान और बहुत कुछ शामिल है। आतंकवाद की परिभाषा में आर्थिक सुरक्षा शब्द को भी जोड़ा गया है। किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को मौत के घाट उतारने का प्रयास आतंकवाद के दायरे में आता है। सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को बम, डायनामाइट आदि से नष्ट करना अब आतंकवादी गतिविधि होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में आतंकी कृत्य का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा या उम्र कैद हो सकती है। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है आइदर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया है, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस, न्यूक्लियर का उपयोग। ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो ये घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, विदेश की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून न सिर्फ आतंकियों पर नकेल कसने का काम करेगा बल्कि आतंकवाद से लड़ने और आतंकवाद से समझौता नहीं करने के हमारे दृढ़ संकल्प को भी पूरा करेगा।